हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज मैं हूँ दरियागंज के एक बहुत ही फेमस आउटलेट पर जिसका नाम है अलिया में। सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है कि ये तो जामा मस्जिद मटिया महल का आउटलेट है, व्हाट इज़ इट डूइंग इन दरियागंज। कुछ समय पहले ही मटिया महल का फेमस अलियामिन खुल गया है दरियागंज के मेन रोड के ऊपर। तो जो लोग पार्किंग हैसल्स और जामा मस्जिद के अंदर की वॉकिंग टूर से बचना चाहते हैं, दे कैन कम हेयर एट अलियामिन एट दरियागंज। इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही फैमिली फ्रेंडली, कोजी और कंफर्टेबल है। अलियामिन का मुगलाई खाना तो फेमस है ही, पर यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ के डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लेटर्स, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस में अवेलेबल है। 600 रुपीज़ का प्लेटर विथ एटलीस्ट 9 थिंग्स इन इट, जो कि कम से कम 2 से 2.5 लोग खा सकते हैं, इस बजट ऑप्शन में आपको दिल्ली में शायद ही कोई इतना बड़ा नॉनवेज प्लेटर मिले। चलिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ के नॉनवेज प्लेटर्स के बारे में। सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक आपको ये आउटलेट ओपन मिलेगा, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं वेरियस वैरायटीज ऑफ नॉन वेजिटेरियन ग्रिल्ड फूड एंड मुगलई फूड। ये तैयार हो रहा है 9 डिशेस वाला प्लेटर, जिसकी कीमत है सिर्फ 600 रुपये। यहाँ के बहुत सारे फेमस आइटम्स में से एक है ये ग्रिल्ड मटन रान, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर एवरी ऑर्डर। लोड्स ऑफ बटर, क्रीम एंड स्पेशल स्पाइसेस बनाता है यहाँ के हर डिश को बहुत ज़्यादा यूनिक और फ्लेवरफुल। चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं यहाँ के मटिया महल के आउटलेट पर। मैं हूँ इस वक्त जामा मस्जिद के मटिया महल वाले आउटलेट पर। खाना, वैरायटी और प्राइसिंग सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर फैमिली फ्रेंडली ऑप्शंस आपको कम मिलेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि यहाँ पर बैठने की जगह थोड़ी कम है, एंड ऑफ कोर्स पार्किंग के लिए आपको जामा मस्जिद गेट नंबर 5 के पास अपना व्हीकल पार्क करना पड़ेगा। पैकिंग की अगर बात करें तो यहाँ के प्लेटर के हर एक डिश को अलग अलग पैक किया जाता है, ताकि हर डिश का अपना फ्लेवर हो। सो एनीबडी हु थिंक्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम घर जाके आराम से अपना फूड एंजॉय करना चाहते हों, तो यहाँ के पैकिंग ऑप्शंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ का खाना ट्राई करने के बाद मैं ये बात तो कहूँगी, सबसे पहली बात कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, और दूसरा, प्लेटर में आपको वैरायटी बहुत सारी चीज़ों की मिलती है, लेकिन आपको किसी भी आइटम को टेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो सेम ग्रेवी में या सेम मसाले में ही बना है, इसका टेस्ट एक जैसा है। एवरी डिश इन इटसेल्फ इज़ यूनिक एंड हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आप दिल्ली 6 की तरफ आते हों और आप नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हों, तो एक बार अलियामिन के आउटलेट पर ज़रूर आइए। एंड द अचारी बिरयानी, इट इज़ जस्ट ऑसम। हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी है ये, बट आई मस्ट से इट इज़ वर्थ इट। चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लेटर में आपको कौन कौन सी डिशेस मिलेंगी। द रुपीज 600 प्लेटर इंक्लूड्स चिकन चंगेजी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन बर्रा, चिकन कबाब, चिकन तंदूरी, लजानी तंगड़ी, मलाई तंगड़ी, चिकन बिरयानी और 5 रुमाली रोटी। और अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं 500 वाला डीलक्स कॉम्बो,
तो उसमें आपको मिलेगा चिकन तंदूरी, चिकन बर्रा, चिकन टिक्का, चिकन चंगेजी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन और 5 रुमाली रोटी। प्लेटर आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, पर सीधा सीधा बोले तो वन इंक्लूड्स सम ग्रेवी आइटम्स एंड द अदर वन इंक्लूड्स ऑल रोस्टेड और कुक्ड आइटम्स। यहाँ पर बन रहा है चिकन चंगेजी, सो आई थॉट कि आपको इसके कुकिंग प्रोसेस को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ अगर आप प्लेटर ट्राई नहीं भी करना चाहते हैं तो अलाकाटे में भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिलिशियस फूड है, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। ऑन एन एवरेज आई वुड से कि यहाँ पर पर्सन कॉस्ट आपको 250 से 300 रुपए पड़ने वाला है। तो इस तरफ अगर आते हो तो डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस आउटलेट। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।